हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर बी एच यू सो बैक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल एंड दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एब्रीविए सो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इन टोटल सिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं इस से जो है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इसमें से वन और टू क्वेश्चन आर देयर जो एब्रीविएशन पर ही बेस्ड होते हैं सो बेटर विल भी कि आप एग्जाम से जस्ट पहले इस वीडियो से अपना रिविजन कर लो एंड डू रिटेन ऑल दिस एब्रीविएशन बिकॉज ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ठीक है एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टूडे आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे एज आई अपलोड वीडियोज डेली एंड देर आर मनी मोर करते हैं, तो learners, पे आप देख सकते हो कि मैंने abbreviations को alphabetically किया है आपके लिए एंड जो भी एब्रीविएशन कई बार रिपीट हुए हैं या फिर जिनके रिपीट होने के चांसेज हैं उनको मैं वीडियो में ही आपको साथ ही में पॉइंट आउट कर दूंगी ठीक है तो आप उसको नोट बना सकते हो उसके नोट बनाना चाहो अगर तो एंड उसे नोट कर लीजिएगा अलग से सो so दैट आप जो है ज़्यादा अच्छी तरह से उसे रिटेन कर पाओ लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ दी एब्रीविएशन होंगे अपार्ट फ्रॉम दोज वेरी इंपॉर्टेंट वन वो भी आप बिल्कुल छोड़ कर मत जाना उन्हें भी ठीक से पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक है रीड आउट ही करना है आपको सो so, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ए uh, से स्टार्ट हो रहे हैं जितने भी एप्लीवेशंस हैं उन्हें लिस्ट किया है मैंने सो इस स्लाइड में ए डी सी ए सी ई ए सी एम ए डी बी ठीक है ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा एल्गोल पूछ सकता है आपसे दैट इज़ एलगोरिद्मिक लैंग्वेज एल यू बहुत ही कॉमन है ए एस सी आई आई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसे याद रखिएगा एंड ए टी एम तो आपको ऑफकोर्स याद ही है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके साथ क्या होता है ना इन्फॉर्मेशन के साथ या इंटरचेंज के साथ इस तरह के वर्ड्स को चेंज करके वो आपको कन्फ्यूज़ uh, करते हैं स्टूडेंट्स तो इसे अच्छी तरह से पढ़ के जाएगा सी आई 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 थिंक किसी एक ईयर में रिपीट भी हुआ है तो इसके रिपीट होने के चांसेस बनते भी हैं इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा एंड ऊपर के जितने मैंने कहे हैं कि ये जरूर से पढ़ लीजिएगा जैसे ए है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सब भी आई थिंक अवेयर होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ठीक है तो इस तरह के जितने भी ये एब्रीविएशन uh, हैं ये इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ लीजिएगा सो नेक्स्ट वी हैव बी से स्टार्ट होते हुए जितने भी एब्रिविएशन हैं तो बेसिक बायोस एंड बाइनैक बॉयनिक ठीक है ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आई थिंक पाँच ही तो हैं इन्हें ठीक से पढ़ लीजिएगा ठीक है एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास सी uh, से हैं ठीक है तो इस लेटर से स्टार्ट हो रहे बहुत सारे एब्रीविएशन हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके लिए जो कैप्चा यानी नंबर ट्वेंटी टू पर जो लिखा हुआ है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसे जरूर से ध्यान दीजिएगा दैट कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमस अ ठीक है हम सब कैप्चा क्यों फिलअप करते हैं सो दैट ये पता चल सके दैट वी आर नॉट रोबोट्स और कंप्यूटर्स ठीक है तो हम ह्यूमन है ठीक है इसीलिए हमसे भरवाया जाता है वो वाला पार्ट ठीक है सभी फिलअप करते हो आप सब जानते हैं इसके बारे में तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ये पूछ

फेवरेट टॉपिक्स हैं बी है के इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं यानी कि आपकी मेमोरी जो है इससे जरूर बेसिस क्वेश्चन आते हैं बेस्ड इस बेस बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं ठीक है तो इसे एक बार देख लीजिएगा एंड सी डी आर डब्ल्यू ये क्या होता है रीड एंड राइट होती है कम कॉम्पैक्ट डेस्क रीड एंड राइट के लिए ठीक है एंड कोबोल इज़ इम्पॉर्टेंट तो इसे पढ़ लीजिएगा एंड सी टी आई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए जो सबसे लास्ट में मैंने मैंशन किया है रेस्ट रीड आउट तो आप सभी को कर लीजिएगा ठीक है इन सभी एब्रीविएशन को नेक्स्ट वी हैव डी से स्टार्ट होते हुए जितने भी एब्रीवियशंस हैं तो यहां पे डी तो इसका पार्ट नहीं है और लेकिन फिर भी हाँ कही कहीं ना कहीं कंप्यूटर एंड इन सब चीज़ों से टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड तो है इसीलिए यहां पे इंक्लूडेड है तो डी याद रखिएगा एंड डी एफ टी डीएनएस डी इस तरह की चीजें आपसे पूछा जा सकता है डी पी आई ऑफकोर्स आप समझ ही रहोगे इट्स डॉट डॉट्स पर इंचज ठीक है डी डी एक बहुत ही बेसिक सा एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स बट मैंने ये देखा है कि कई जगह जो है ना स्टूडेंट्स इसे गलत ही अटैम्प्ट करते हैं तो दिस इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ठीक है इसे याद रखिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट वी हैव ई लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी एब्रीविएशन हैं यहाँ पे तो देखिए स्टूडेंट्स जो सिक्सटी थ्री नंबर है ई पी रोम ठीक है ये बहुत ही बार पूछा गया है ई पी रोम भी होता है एंड ई ई पी रोम भी होता है ठीक है अगर इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है तो वो ई पी एंड देन रोम होगा ठीक है और अगर वो ई ई पी रोम है तो इसका ये होता है कि इलेक्ट्रिकली इेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है ये ठीक है तो इसको याद रखिएगा एंड ई डी वैक ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ई डी एस ए सी इसके जस्ट ऊपर वाला ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर से एक्चुअली जितने भी जो ई सी एम ए तक हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है एंड e इनैक एक्ट uh, e ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है लेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से नेक्स्ट यू हैव एफ एंड जी से जो भी एब्रीवेशन हमारे पास तो फोल्ट्रॉ या फोल्डॉक ये जो भी है सब चीज़ें uh, ठीक है इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसे छोड़ सकते हो आप बट यहाँ पर जो सिक्सटी नंबर है जी जी पी यू इसे पढ़ लीजिएगा एक बार जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग ऑन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एंड जी ओ आई भी एक बार पूछा हुआ है इसे एक बार फिर से रिपीट करने के चांस बनते हैं स्टूडेंट्स ठीक है students, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसे पढ़ लीजिएगा सो एच टी एम एल तो ये आई आई थिंक सबसे ज़्यादा फेवरेट है जितनी भी लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड एब्रीवेस हैं वो कई बार आए हुए हैं कई बार पूछे गए हैं ठीक है तो यहाँ पे आई बी एम आई एस सी एस आई ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है आई एस डी एन भी इंपॉर्टेंट है आई टी एन आई पी को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो कि ये क्या होते हैं ठीक है नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अनदर लेटर्स यहाँ पे जे के एन एल के साथ एसोसिएटेड जितने भी एब्रीविएशन हैं वो मैंने लिखे हैं तो के बी पी एस आप सबको पता है लैन एंड वैन ये जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क वाले जितने भी नेटवर्क से एसोसिएटेड एब्रीविएशन है ना नेटवर्क एंड टोपोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इसे ज़रूर से याद रखिएगा और बिल्कुल भी इसे स्किप uh, करके जाएगा रिवाइज कर लीजिएगा इनफैक्ट लास्ट मोमेंट में भी ठीक है तो यहां पे जितने भी हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें एंड अगेन देखिए यहाँ पे नेटवर्क से ही एसोसिएटेड एक और एब्रिविएशन है आपके पास विच इज मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो ये भी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क से एसोसिएटेड जितने भी आई थिंक एब्रीविएशन मिले या लैंग्वेज से एसोसिएटेड जितने भी एब्रीवेशन मिले उन्हें अलग से स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा इनकी गारंटी है कि आते हैं ठीक है थीके? तो माइकर पूछता है एम आई सी आर जो कि मैग्नेटिक्रैक्टर रिकोग्निशन है इसे पढ़ लीजिएगा एन एम एस डॉस वगैरह तो बेसिक हैं ये आपको पता ही है मॉडर्म क्या होता है मॉड्यटर डी मॉड्यूलेटर ठीक है सारे ही याद रखिएगा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वी हैव एन एन ओ ठीक है इन लेटर्स से स्टार्ट होते हैं जितने भी एब्रीविएशन हैं हमारे पास तो आ, ये सारे ही आई थिंक इंपॉर्टेंट है इन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ओ एम आर पूछता है ओ सी आर भी पूछा हुआ है पहले एंड आई थिंक ओ एम आर के बारे में या ओ सी आर किसी इन दोनों में से किसी एक के बारे में उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से आया था शायद ठीक है तो ओ सी आर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट यू हैव पी लेटर से स्टार्ट होते हुए जितने भी एब्रीवेशन है यू कैन सी यहाँ पे हम हंड्रेड के बियॉन्ड ही जा रहे हैं यहाँ पे मैंने टॉप हंड्रेड भले ही लिखा हुआ था टाइटल में बट यहाँ पे मेरे पास हंड्रेड से ज़्यादा ही एब्रीवेशन थे जिन्हें मैंने सब सारे के सारे आपके लिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा कवरेज रहेगी ना आपकी इन सब चीज़ों को लेकर उतने ही चांसेस कम होंगे इस बात के कि कुछ भी बाहर से आ जाए आपके लिए और आप उससे यू नो बिल्कुल अनअवेयर हो कुछ भी स्ट्रेंज या एलियन सा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए ठीक है सो so, यहाँ पे जितने भी हैं स्टूडेंट्स इन्हें एज़ इट इज़ याद कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट है पी या एल सॉरी दिस इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पी है पी सी एम है ये भी इंपॉर्टेंट है पी सी डॉस है ये भी इंपॉर्टेंट है ये जितने भी हैं सबको एक बार आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा नेक्स्ट वी हैव आर से स्टार्ट होते हुए एब्रीविएशन तो यहाँ पर ये भी सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है एक को भी मत छोड़िएगा एंड रैम और इससे रोम से क्वेश्चन आते रहते हैं ये भी पूछा है कि रैम कौन uh, uh, जो है वोलेटाइल होता है या रोम वॉलेटाइल होता है तो अगर आप इससे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स तो हमेशा याद रखिएगा कि रैम वॉलेटाइल होता है रोम नहीं ठीक है तो वॉलेटाइल नेचर का कौन सी मेमोरी हमारी रैम इसे याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट यू हैव एस लेटर से स्टार्ट होते हुए एबिवेशन प्लस टी भी यहीं पर है आप देख सकते हो तो एस रैम या जितने भी हैं ये इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसे छोड़ सकते हो ठीक है टी सी पी इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसे याद रखिएगा रेस्ट यू कैन स्किप एंड वी हैव देन यू से स्टार्ट होते हुए जितने भी एब्रीविएशन है तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इन्हें प्लीज़ अच्छी तरह से याद कीजिएगा एंड यू ये दो तीन एग्जाम्स में लगातार आया है आपके एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं अदर एग्जाम्स में जहाँ पे मैंने देखा कि कंप्यूटर एब्रीविएशन या कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे मैंने यू को इधर बीच बहुत रिपीट होते हुए देखा है इसे याद रखिएगा यू हो गया यू हो गया जैसे मैंने आपको कैप्चा बताया अभी ऊपर ठीक है ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स यू भी इनफैक्ट ये जो अन टिबल पावर सप्लाई है इसे भी पूछा है यूनिवैक इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करके इन्हें नोट कर लीजिए ज़रूर से इनमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा ठीक है नेक्स्ट वी हैव वी लेटर से स्टार्ट हो रहे एवरीवेस तो यहाँ पे वी डी आई वी डी यू वी एल एस आई वी एन सी या वी एस एन एल ये सारे ही इंपॉर्टेंट है वी एस एन एल आप स्किप भी कर सकते हो पता ही है आप सबको कि क्या होता है ये बट रेस्ट आर इंपॉर्टेंट इसे पढ़ लीजिएगा एंड नेक्स्ट वी हैव डब्ल्यू एंड ओके वी हैव जेड ठीक है वाई से नहीं है शायद ठीक है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पॉइंट नंबर वन थर्टी नाइन पर देख सकते हो कि ये कुछ अतरंगा सा एलियंस आपको दिख रहा होगा एब्रीविएशन दिस इज़ डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू वाई जी तो ये असोसिएटेड तो किससे होता है स्टूडेंट्स ये ऐसा मत सोच लेना कि ये कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर ऐसा नहीं है वॉट यू सी इज वॉट यू गेट दिस इज़ एसोसिएटेड विद प्रिंटर एंड इट्स यूजर्स यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर है इज़ व्हाट यू विल गेट जब भी आप प्रिंट करोगे ये इससे एसोसिएटेड है तो इसे याद रखिएगा ये बीच बहुत ये भी जो है ना बहुत जग, जगह पे रिपीट रिपीट हुआ है कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने इसको की रिपीटेशन देखी है इसलिए आपको ऐसा बोल रही हूँ कि इसे पढ़ लीजिएगा एंड ये कुछ ऐसा नहीं है तो आपको इतना ही याद रखना है वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वही आप प्रिंट जैसे ही दबाओगे वैसे ही प्रिंट होकर बाहर के आएगा जो भी आपकी स्क्रीन पर है सिर्फ उतना ही ठीक है तो वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट इसी से याद करना है आपको एंड आपको इसका एब्रीविएशन एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं कि वो डब्ल्यू एस वाई एस क्या है ऐसा ऐसे याद मत रखिएगा ऐसे ऐसे वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट करके याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा इसे भूलेंगे भी नहीं आप एंड वाई मैक्स ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वैन अगेन मैंने आपको जैसा कहा कि नेटवर्क से एसोसिएटेड क्वेश्चन आए हैं पहले भी ठीक है तो इसे याद रखिएगा कि जितने भी वैन मैन लैन जो कुछ भी है ये ये सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा पहले भी मैंने आपको वर्ल्ड वाइड कंसोटियम के बारे में बताया हुआ जो पॉइंट नंबर वन थर्टी सेवन पे है एंड पॉइंट नंबर वन थर्टी एट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वर्ल्ड वाइड वेब अब कोई नहीं पूछने वाला आपसे लेकिन हाँ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोटियम एंड वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है ये नए से हैं ठीक है इन्हें याद रख लीजिएगा एंड लास्ट यू हैव जी आई एस सी तो जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड आई I will see you in the next session. Till then keep preparing. And in case you have any concerns, please let me know. You can post your doubts in the comment section and also you can DM me on Instagram at the rate info bhu. So if you like this content, please like the video, share it with your friends, and in case you haven't subscribed yet, so subscribe now. And also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.